आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान गलतियों का पुतला है। ऑफिस हो या किसी काम में कोई गलती होना आम बात है, लेकिन कभी कभी ये गलतियाँ काफी महंगी साबित हो सकती हैं। कई बार नौकरी से निकाले जाने की नौबत भी आ जाती है। कुछ लोग अपनी बेवकूफी को जानबूझकर गलती का नाम दे देते हैं। आजकल ज्यादातर फूड कंपनियां और रेस्टोरेंट्स अपने ग्राहक को होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं, जिसमें ग्राहक को घर बैठे खाना मिल जाता है। कई बार पेमेंट करते हुए डिलीवरी बॉय को टिप भी दी जाती है, लेकिन क्या हो जब कोई डिलीवरी बॉय टिप ना मिलने से इस कदर नाराज हो जाए कि आपके घर के दरवाजे पर टॉयलेट कर दे। जी हाँ, ये हरकत सुनने में बेहद बेवकूफी भरी लगती है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय ने पिज्जा डिलीवर करते समय ऐसी ही बेवकूफी कर दी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल एक ग्राहक ने पिज्जा की पेमेंट करते समय डिलीवरी बॉय को टिप नहीं दी। इस बात से नाराज होकर उस डिलीवरी बॉय ने ग्राहक के दरवाजे पर पेशाब कर दिया। जब घर में रह रहे व्यक्ति को बदबू महसूस हुई तो उसने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें डिलीवरी बॉय पेशाब करता नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, उस व्यक्ति ने फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी को फोन लगाया और डिलीवरी बॉय की हरकत को लेकर शिकायत की। अपनी बेवकूफी भरी हरकत की वजह से उस डिलीवरी बॉय ने अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो दिया। कई बार खाने में गलती से बाल या छोटे मोटे कीड़े गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उस डिश को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जाहिर सी बात है, डिश का स्वाद लेने की चाहत रखने वाला व्यक्ति कीड़े और बाल का स्वाद नहीं चखना चाहेगा। लेकिन डोमिनोज में काम करने वाले क्रिस्टी हैमंड्स और माइकल सेट्जर नाम के दो कर्मचारियों ने ऐसी हरकत जानबूझकर की। ये दोनों डोमिनोज के किचन में पिज्जा बनाने का काम करते थे, लेकिन अपने मजे और शौक के चलते ये दोनों लोगों द्वारा ऑर्डर किए गए खाने में गंदगी डाल देते थे। दरअसल जब किसी पिज्जा का ऑर्डर आता था तो क्रिस्टी और माइकल पिज्जा में डाले जाने वाली चीज को नाक में लगाकर पिज्जा में डालते थे। यही नहीं, कई बार ये पिज्जा के ऊपर छींक देते थे, जिससे सारे कीटाणु और गंदगी पिज्जा में चली जाती थी। ये दोनों इतने लापरवाह थे कि अपनी इस बेवकूफी का वीडियो भी बनाते थे। एक दिन ये वीडियो लीक हो गया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत काम से निकाल दिया गया। यही नहीं, फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इन दोनों पर मामला दर्ज किया गया और 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। अपनी इस बेवकूफी के चलते क्रिस्टी हैमंड्स और माइकल सेट्जर को न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि अब इन्हें किसी फूड इंडस्ट्री में नौकरी पर नहीं रखा जाता। किसी भी होटल या कैफे में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है, ताकि ग्राहक साफ होटल को देखकर वहां आने के लिए आकर्षित हो। खासकर किचन के स्टाफ को खाना बनाने और परोसने के दौरान सफाई का ध्यान रखने और बार बार हाथ धोने की हिदायत दी जाती है। लेकिन कैलिफोर्निया के KFC आउटलेट में काम करने वाली दो लड़कियों ने इस बात को ज्यादा ही सीरियस ले लिया। इन लड़कियों ने अपनी बेवकूफी का नमूना पेश करते हुए किचन के डिशवॉशर में नहाना शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने डिशवॉशर में नहाते हुए अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। जब लोगों ने इन फोटोज को देखा तो उन्होंने KFC आउटलेट में जाना ही बंद कर दिया। जब KFC के मैनेजर को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत दोनों लड़कियों को नौकरी से निकाल दिया और उस ब्रांच की अच्छी तरह से सफाई करवाई। इटली एक ऐसा देश है जहां खराब मौसम की वजह से लोगों को ऑफिस ना जाने का बहाना मिल जाता है, जिसकी वजह से इटली के कर्मचारियों की जरूरत से ज्यादा छुट्टियां हो जाती हैं और कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखते हुए बैरेला नामक मशहूर पास्ता कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कम से कम छुट्टियां लेने को कहा। लेकिन इस कंपनी में काम कर रहे एक शख्स को फुटबॉल मैच खेलने के लिए छुट्टी चाहिए थी, जिसके लिए उसने बीमार होने का बहाना बनाया। कंपनी ने उसकी छुट्टी मंजूर कर दी। ऑफिस से छुट्टी लेकर वो युवक लोकल लेवल पर हो रहा फुटबॉल मैच खेलने पहुंच गया। किस्मत से युवक की टीम मैच जीत गई और टीम का एक फोटो लोकल अखबार में छप गया। फिर क्या था, कंपनी के मैनेजर ने उस तस्वीर को देख लिया और झूठ बोलकर छुट्टी लेने के लिए युवक को नौकरी से निकाल दिया। UK में रायनियर
एयरलाइंस काफी मशहूर है। इस एयरलाइंस से दुनिया भर के लाखों यात्री सफर करते हैं। कुछ साल पहले रायनियर एयरलाइंस के प्लेन को खराब मौसम की वजह से एक एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़ा, जिसकी वजह से फ्लाइट काफी लेट हो गई और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इस दौरान एयरलाइन स्टाफ की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो गई। दरअसल इस तस्वीर में स्टाफ जमीन पर सो रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा एयरलाइंस अपने कर्मचारियों को होटल रूम भी मुहैया नहीं करता। लेकिन जल्द ही इस मामले की जांच की गई और सामने आया कि ये फोटो फेक है और उसे जानबूझकर क्लिक करवाया गया है। रायनियर एयरलाइंस ने एक वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें एयरलाइन स्टाफ जानबूझकर जमीन पर सोते हुए पोज देकर फोटो खिंचवा रहा है। इसके बाद एयरलाइंस ने ऐसी हरकत करने वाले सभी कर्मचारियों को कुछ दिनों के लिए नौकरी से निकाल दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि बेवकूफी करने का जिम्मा सिर्फ प्राइवेट जॉब करने वालों के सिर है। कभी कभार सरकारी नौकरी वाले अफसर भी बेवकूफी का नमूना पेश कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जॉर्जिया की दो पुलिस ऑफिसर्स ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद बेहद बेवकूफी वाला तरीका निकाला। दरअसल दो महिला पुलिस ऑफिसर्स ने ओवर स्पीडिंग के लिए एक महिला को रोका और उससे डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहा। महिला ने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स को दिखाए। वेरिफिकेशन के दौरान महिला के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने महिला को गिरफ्तार करने की एक अजीब और बेवकूफी भरी तरकीब निकाली। उन्होंने टॉस करके महिला को गिरफ्तार करने या छोड़ देने का फैसला किया। अगर हेड होता तो वो महिला को अरेस्ट करते और अगर टेल आता तो महिला को छोड़ दिया जाता। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को ये ध्यान नहीं रहा कि उनकी यूनिफॉर्म पर कैमरा भी लगा है, जिसमें ये हरकत कैद हो रही है। बस फिर क्या था, दोनों ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और आरोपी महिला पर ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना लगाया गया। स्टीवन नामक एक व्यक्ति पिछले 20 साल से एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडर की नौकरी करता था। एक दिन फ्लाइट में उसकी भिड़ंत एक यात्री से हो गई, जिसकी वजह से उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। दरअसल प्लेन रनवे पर लैंड करने ही वाला था, उसी दौरान एक यात्री खड़ा होकर ऊपर के कंपार्टमेंट से अपना सामान निकालने लगा। स्टीवन ने उस पैसेंजर को समझाया कि चलती फ्लाइट में सामान निकालना खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्लेन रुकने के बाद सामान निकालें। लेकिन उस पैसेंजर ने स्टीवन की बात नहीं मानी और बहस करने लगा। बहसबाजी में पैसेंजर ने स्टीवन को जोर से धक्का मार दिया। इस घटना से स्टीवन को बहुत गुस्सा आ गया और उसने स्पीकर फोन पर जाकर अनाउंसमेंट कर दी कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। प्लेन के लैंड होते ही स्टीवन इमरजेंसी गेट से बाहर निकले और सीधा अपने घर चले गए। गुस्से पर काबू न करने की वजह से एयरलाइंस ने स्टीवन को नौकरी से निकाल दिया। कई देशों में गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए चैरिटी बॉक्स लगे होते हैं, जिसमें सभी लोग अपने पुराने कपड़े, खाना और जरूरत की चीजें दान करते हैं। लेकिन क्या हो जब जरूरतमंद लोगों के सामान को एक पुलिस ऑफिसर चुरा ले? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सीसीटीवी में कैद किया गया। दरअसल सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी चैरिटी बॉक्स से सामान चोरी करते हुए देखा गया। ऑफिसर ने बॉक्स से सामान निकालकर पुलिस वैन में डाला और चला गया। सिक्योरिटी टीम ने जब ये वीडियो देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि डीएमओ के मुताबिक चैरिटी बॉक्स का सामान सिर्फ जरूरतमंद लोग ही ले सकते हैं। सिक्योरिटी टीम ने उस फुटेज को पुलिस डिपार्टमेंट में भेज दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दुनिया के वो 8 बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने अपनी हरकतों की वजह से अच्छी खासी नौकरी को टाटा बाय बाय कह दिया। आपको इन सब में से किस इंसान की हरकत सबसे ज्यादा बेवकूफी भरी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।